वेलकम टू VLAN वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क। वेलकम टू द 15th सेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड द टॉपिक्स कवर्ड आर टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग मास्क एबल इंटरप्ट, प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट सिस्टम एंड ब्लॉक ट्रांसफर्स एंड DMA। First of all, types of interrupts. An interrupt causes the normal program sequence to be suspended and a branch to be made to the location indicated. जब भी सिस्टम में कोई इंटरप्ट आता है तो नॉर्मल जो प्रोग्राम का सीक्वेंस होता है, मीन्स जो नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम होता है, वो सस्पेंड हो जाता है और एक पर्टिकुलर लोकेशन पर प्रोग्राम का सीक्वेंस जंप कर जाता है। कंट्रोल कैन बी रिटर्न टू द पॉइंट एट विच द इंटरप्ट अकर बाय प्लेसिंग एन IRET इंस्ट्रक्शन एट द एंड ऑफ द इंटरप्ट रूटीन। हम वापस उसी पॉइंट पर पहुंच सकते हैं जहां से इंटरप्ट अकर हुआ था, मीन्स जहां से हमने इंटरप्ट को कॉल किया था, हम वहां पर वापस जा सकते हैं IRET इंस्ट्रक्शन का यूज करके। इसको हम जो इंटरप्ट रूटीन होता है उसके एंड में प्लेस करते हैं। देयर आर टू क्लासेस ऑफ इंटरप्ट्स, फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। मींस इंटरप्ट दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल इंटरप्ट। With external interrupts being caused by a signal being sent to the CPU through one of its pins, which for the 8086 is either the NMI pin or the INTR pin. External interrupts जो होते हैं वो CPU के pins की वजह से होते हैं, और अगर हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो NMI pin या INTR pin जो होती है उनके वजह से एक्सटर्नल इंटरप्ट सिस्टम में अगर होते हैं। इंटरप्ट इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल ऑन NMI पिन इज कॉल्ड नॉन मास्केबल इंटरप्ट एंड विल कॉज इंटरप्ट ऑफ टाइप 2। वो इंटरप्ट जो NMI पिन्स पर होता है उसको हम नॉन मास्केबल इंटरप्ट कहते हैं और उसकी वजह से टाइप 2 इंटरप्ट अगर होता है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट सिग्नल्स आर नॉर्मली कॉज्ड बाय सर्किट फॉर डिटेक्टिंग पावर फेलियर। जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है उसके अकर होने का जनरल रीजन है कि सर्किट में कोई पावर फेलियर हो गया है, मीन्स अगर सर्किट में कोई पावर फेलियर हो जाता है तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट अकर होता है। मास्केबल इंटरप्ट सच एज INTR इज मास्क्ड बाय IF फ्लैग सो दैट इफ फ्लैग इज जीरो द इंटरप्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंटिल इफ रिटर्न टू वन। अगर हम INTR मास्केबल इंटरप्ट की बात करें तो उसमें हम इफ फ्लैग को चेक करते हैं। अगर इफ फ्लैग की वैल्यू जीरो होती है तो हम इंटरप्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं जब तक इफ हमें रिटर्न ना कर दे वन। व्हेन इफ इज इक्वल टू वन एंड अ मास्केबल एक्सटर्नल इंटरप्ट अकर्स द सीपीयू विल रिटर्न एन एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू द डिवाइस इंटरफेस थ्रू इट्स INTA पिन एंड इनिशिएट द इंटरप्ट सीक्वेंस। अगर इफ में वन सेट होता है तो मास्केबल एक्सटर्नल इंटरप्ट अकर होता है जिससे कि सीपीयू रिटर्न करता है एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल उस डिवाइस इंटरफेस को जो INTA पिंस के थ्रू यूज हो रहा होता है। नाउ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग मास्केबल इंटरप्ट। द फिगर शो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द मास्केबल इंटरप्ट एंड द सबसिक्वेंट रिटर्न ऑपरेशन। इस फिगर में शो किया गया है कि
पर्टिकुलर मास्केबल इंटरप्ट के ड्यूरेशन में क्या क्या सीक्वेंस अकर होते हैं. हेयर इज द सीपीयू. दीज आर न्यू आईपी, न्यू सीएस, ओल्ड आईपी, ओल्ड एस, सॉरी ओल्ड सीएस, ओल्ड पीएसडब्ल्यू. दीज आर द 1, 2, 4, 5, 6, 3, 7, 8, 10 means sequence of operation during the maskable interrupt. Now priority of interrupt system. If more than one interrupt occur at the same time, processor should be able to identify the interrupt which is most essential. अगर हम प्रायोरिटी की बात करते हैं तो प्रायोरिटी का मीन्स है कि पहले हम क्या काम करना है, उसके बाद क्या काम करना है, आफ्टर दैट हमें क्या काम करना है. मीन्स हम एक वैल्यू सेट कर देते हैं और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अपने वर्क को, अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं. इन द सिमिलर वे किसी माइक्रो प्रोसेसर में भी अगर एक साथ एक से ज्यादा इंटरप्ट मेमोरी में अकर हो जाते हैं तो हम उनको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं. हेंस इंटरप्ट सिस्टम शुड बी प्रोवाइडेड विद प्रायोरिटी मैनेजमेंट. दैट्स व्हाई इंटरप्ट सिस्टम्स में हमेशा एक प्रायोरिटी मैनेजमेंट फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे कि हम डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्ट को प्रायोरिटी दे सकें और उन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम उनको एग्जीक्यूट कर सकें. The following are the means of giving priority to an interrupt system. हम different different techniques का use कर सकते हैं priority provide करने के लिए interrupts को. First one is polling. Second one is daisy chaining. Third one is interrupt priority management hardware. हम इन techniques का use कर सकते हैं किसी भी प्रायोरिटी देने के लिए, किसी भी इंटरप्ट को प्रायोरिटी देने के लिए. फर्स्ट वन इज पोलिंग. इफ यू टॉक अबाउट पोलिंग, द प्रोग्राम सीक्वेंस इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरप्ट रूटीन. द प्रायोरिटी ऑफ द इंटरफेसेस कुड बी एस्टेब्लिश्ड बाय द ऑर्डर इन विच दे आर पोल्ड बाय द सीक्वेंस. पोलिंग में प्रोग्राम सीक्वेंस को प्लेस किया जाता है इंटरप्ट रूटीन से पहले और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस बना देते हैं इंटरप्ट का और उन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इंटरप्ट रन होते हैं. आफ्टर दैट डेसी चेनिंग. इट इज सिंपल हार्डवेयर मींस ऑफ अटेनिंग अ प्रायोरिटी स्कीम. एक सिंपल हार्डवेयर होता है, मीन्स हार्डवेयर मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हम प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्ट्स को. इट कंसिस्ट ऑफ एसोसिएटिंग अ लॉजिक सर्किट विद ईच इंटरफेस एंड पासिंग द इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल थ्रू दीज सर्किट्स. इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक सर्किट्स को अटैच कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस से और जिसके थ्रू हमें एक्नॉलेजमेंट सिग्नल रिसीव होता है उन सर्किट से. मैं इससे पहले हम सर्किट्स अटैच कर देते हैं इंटरप्ट से और वो हमें एक्नॉलेजमेंट रिटर्न करते हैं. नाउ प्रायोरिटी फॉर इंटरप्ट सिस्टम, दिस वन इज डेसी चेनिंग अरेंजमेंट एंड दिस इज इट्स लॉजिक. हियर वी हैव सीपीयू एंड बस कंट्रोल लॉजिक, INTR. This is JC's chaining logic using different different interfaces with device 1, device 2, device 3 means device 1 using interface 1, this interface, device 2 using this interface, device 3 use this interface, and this is the logic implemented by logic gates. First, complement of INTAR is provided in to this gate and INTR is connected with this negation gate. This is the whole combination of daisy chaining logic. Now block transfers and DMA. Program or interrupt IO can transfer data at very less rate. किसी भी प्रोग्राम
इंटरप्ट के थ्रू हम आयो को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं डिवाइसेस सच एज मैग्नेटिक टेप डिस्क यूनिट्स एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स ऑपरेट्स एट वेरी हाई रेट बट जो डिवाइसेस होते हैं जैसे कुछ डिवाइसेस होते हैं मैग्नेटिक टेप डिस्क यूनिट या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वो ऑपरेट होते हैं वेरी हाई रेट पर DMA controllers are used to provide communication directly with IO devices and memory devices so that high data rate can be achieved. हम DMA means dynamic memory allocation controllers का use करते हैं direct communication establish करने के लिए between the IO devices and memory devices जिससे कि हम high data rate get कर सकें. CPU with its bus control logic is normally the master, but other specially designed components can gain control of the bus to transfer the data. CPU generally bus control logic का use करता है as a master, और इसको हम specially इसमें हम different different types के components का use करते हैं ताकि हम transfer rate को increase कर सकें. मीन्स हम इजिली ट्रांसफर कर सकें डेटा. ड्यूरिंग एनी गिवन बस साइकिल वन ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट्स कनेक्टेड टू द सिस्टम बस इज गिवन कंट्रोल ऑफ द बस. जब बस साइकिल अकर हो रही होती है उस टाइम में एक सिस्टम कंपोनेंट कनेक्टेड होता है सिस्टम बस से जिससे कि वो उस बस को कंट्रोल कर सके. The component which steers the bus is called master. जो control कर रहा होता है bus को उसको हम कहते हैं master. And the device that is communicating with the component is called slave. और वो component और हम कहते sorry वो component या वो device जो communicate कर रहा होता है उसको हम कहते हैं slave. So this is basically a master-slave model. In which master is that device or component that is controlling the bus and that device that is communicating is known as slave. The sequence of action taken during a single output DMA is shown in the diagram. यहाँ पर एक diagram दिखाया गया है जिसमें DMA की working बताई गई है. Here we have HOLD, hold HLDA. At first step, interface is ready to receive data. DMA request is made. This is our first step. This is our second step. Bus request is made. Third request is bus grant is returned. Fourth one is DMA device place address on address bus. This one is address bus. After that DMA request is acknowledged. After that it will acknowledge the request. After that memory place data on the data bus. This one is data bus. Seventh step is interface latches data. After that it will store the data. Eighth step is bus request is dropped and control is returned to the 8086. उसके बाद request को finish कर दिया जाता है और control को वापस microprocessor को assign कर दिया जाता है. After that bus grant is dropped by the 8086. उसके बाद microprocessor भी bus control को dropped कर देता है. This one is again DMA controller interface design. This is generally the DMA controller interface design. Here we have DMA controller and here we have interface. This is address bus, data bus and other control lines. This is control register, status register, data in buffer register, data out buffer register. This is byte count register, address register, control register and status register. This one again other control lines, address bus and data bus.
These bits indicating direction of transfer, input or output. Bit for enabling DMA. So this is the DMA controller interface design. The controller design contains two registers in addition to status and controller register. Controller के design में दो register use किए जाते हैं, status and control register से अलग. Means total four register use किए जाते हैं controller को design करने के लिए. One for holding the address of the next memory location and one for noting the number of bytes yet to be transfer. इनमें से एक register hold करते हैं address को नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का और सेकेंड होल्ड करता है कितने नंबर ऑफ बाइट ट्रांसफर हुए उसको, मींस कितने नंबर ऑफ बाइट ट्रांसफर हुए उसके काउंट को होल्ड करने के लिए एक रजिस्टर एंड हमें क्या इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट परफॉर्म करानी है उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए दूसरा रजिस्टर यूज किया जाता है. They are initialized before the block transfer begins. और इनको हम कोई भी डाटा ट्रांसफर करने से पहले ही इनिशियलाइज कर देते हैं ताकि बाद में हमें कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े. After each datum is moved, the address register is incremented or perhaps decremented depending on the design, and the byte counting register is decremented. जैसे जैसे डेटा मूव होता जाता है एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट मिलता रहता है. एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू में डिक्रीमेंट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमने उसका डिजाइन कैसे किया है. और जो बाइट काउंट होता है रजिस्टर होता है बाइट काउंट रजिस्टर, उसकी वैल्यू हमेशा डिक्रीमेंट होती रहती है. During a block input byte transfer, the following sequence occur as the datum is sent from the interface to the memory. जब भी हम कोई डेटा सेंड करते हैं from the interface to the memory, जो नीचे steps दिए गए हैं वो follow किए जाते हैं. The interface send the controller a request for DMA service. सबसे पहले interface request send करता है controller को DMA services के लिए. After that, the controller gains control of the bus. उसके बाद controller gain कर लेता है control bus पर control. Means उसके बाद controller control करता है bus को. The content of the address registers are put on the address bus. उसके बाद जो address register के contents होते हैं उनको address bus पर send कर दिया जाते हैं. The controller sends the interface a DMA acknowledgement which tells the interface to put data on the data bus. उसके बाद controller send करता है interface को एक DMA acknowledgement जिससे interface को पता चलता है कि data data bus पर send हो गया है. जैसे कि कोई भी normal acknowledgement होती है वैसे ही इस acknowledgement से हमें पता चलता है कि data data bus तक सेंड हो चुका है या नहीं. फॉर एन आउटपुट इट सिग्नल्स द इंटरफेस टू लैच द नेक्स्ट डेटा प्लेस्ड ऑन द बस, जिससे कि हमें पता चलता है मींस एक्नॉलेजमेंट से हमें पता चलता है कि हम नेक्स्ट डेटा को फेच कर सकें. जैसे अगर रियल वर्ल्ड से एग्जांपल लें, हम कोई भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो हमें एक्नॉलेजमेंट वापस मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ हमारा एडमिशन कंफर्म हो गया है. इन द सिमिलर वे जब हम कोई डेटा सेंड कर देते हैं उसके बाद डीएमए एक्नॉलेजमेंट हमें रिसीव होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा डेटा डेटा बस तक सेंड हो चुका है और हम नेक्स्ट डेटा सेंड कर सकते हैं. The data byte is transferred to the memory location indicated by the address bus. उसके बाद data byte को transfer किया जाता है memory location पर, उस memory location पर जिसको address bus indicate कर रही होती है. Means उस address को
जो एड्रेस बस कंटेन कर जिसको एड्रेस बस ने कंटेन कर रखा है उस पर डेटा बाइट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। द कंट्रोलर रिलिंक्विश द बस, उसके बाद कंट्रोलर फिनिश कर देता है बस को। द एड्रेस रजिस्टर इज इंक्रीमेंटेड बाय वन, उसके बाद एड्रेस रजिस्टर को इंक्रीमेंट कर दिया जाता है वन से। और जो बाइट काउंट होता है मींस द बाइट काउंट रजिस्टर इज डिक्रीमेंटेड बाय वन, बाइट काउंट रजिस्टर को डिक्रीमेंट कर दिया जाता है वन से। इफ द बाइट काउंट रजिस्टर इज नॉन जीरो रिटर्न टू स्टेप वन अदरवाइज स्टॉप, अगर बाइट काउंट रजिस्टर नॉन जीरो होता है तो फिर से स्टेप वन से जो हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं वो सब फॉलो किए जाते हैं, या फिर अगर काउंट रजिस्टर जीरो हो जाता है तो उसकी वैल्यू मींस उसको फिनिश कर दिया जाता है। सो डीएमए ऐसे ऐसे वर्क करता है। नाउ डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स, एंड सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट इज डीएमए। दिस इज द एंड ऑफ सेशन 15। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग। वी लर्निंग।